सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइज, आज मैं बना रहा हूँ वीडियो कि प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड्स के कितने टाइम के बाद करें। ठीक है, ये एक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है और बहुत बार व्यूअर्स पूछते हैं या फिर जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं वो भी पूछते हैं कि सर जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कितने टाइम के बाद करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, चाहे आपने रिलेशन किसी भी डेट को बनाया हो या फिर अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी का रिस्क है तो भी आपको कब टेस्ट करना है, या फिर अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हो तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना स्किप किए अगर आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना और बिना स्किप किए देखना ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो ना आपको ये जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी कब होती है। ठीक है, देखिए अगर आपका जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन का है या फिर 30 दिन का है, तो उस पीरियड साइकिल में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि किन दिनों के अराउंड आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसके लिए आप आई के बटन पर वीडियो है उसको देख लेना, उसको समझ लेना, आपको पता लग जाएगा कि किन दिनों आपको प्रेगनेंसी होती है। अब जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम को ओव्यूलेशन डे बोलते हैं, मतलब कि जो फीमेल्स हैं उनकी अंडेदानी होती है, एक अंडेदानी में से अंडा हर पीरियड साइकिल में रिलीज होता है। और अगर आप इन टाइम पीरियड पर, ये जो अंडा रिलीज हुआ है इन टाइम पीरियड पर, अगर आप रिलेशन बनाते हो, मतलब कि ओव्यूलेशन टाइम के अराउंड अगर आप रिलेशन बनाते हो, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सपोज करें कि अगर किसी फीमेल का पीरियड साइकिल 28 दिन का है, ठीक है, और उसको 14th डे के अराउंड ओव्यूलेशन होना है। अब ये भी नहीं है कि 14th डे ही पूरा फिक्स होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर फीमेल की बॉडी अलग अलग तरीके से काम करती है, तो ओव्यूलेशन डे पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, लेकिन एक आइडिया होता है कि 14th डे 14वें दिन उनको ओव्यूलेशन होना है अगर किसी फीमेल का पीरियड साइकिल 28 दिन का है। ठीक है, तो कई लोग ये गलती करते हैं कि वो पीरियड के दूसरे तीसरे दिन ही रिलेशन बना लेते हैं, फिर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, टाइम का भी वेस्ट होता है और जो वो पैसे वेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट को खरीदने में वो भी यूजलेस ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस कब होते हैं, तो वो जो चांसेस हैं वो ओव्यूलेशन के टाइम होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने ओव्यूलेशन टाइम के अराउंड रिलेशन बनाया है, सपोज करें कि अगर आपने ओव्यूलेशन हुआ है 14 दिन के अराउंड और अगर आपने उसी टाइम पीरियड पर रिलेशन बनाया है, तो रिलेशन बनाने के बाद ना एक प्रोसेस होती है। ओव्यूलेशन के टाइम अंडा रिलीज होता है, ये अंडा फेलोपियन ट्यूब कैच करती है और फिर ये अंडा फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ पर ये स्पर्म का इंतज़ार करता है। अगर इस टाइम पीरियड पर, ओव्यूलेशन टाइम के अराउंड अगर आप रिलेशन बनाते हो, तो अंडा और जो स्पर्म है उसका मिलन होता है और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर ये फर्टिलाइज एग ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है और ये फिर आगे जाके इसका जो डिवीज़न होता है 2 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में, तो ये ऐसे आगे इसका प्रोसेस होता है और ये धीरे धीरे फिर बच्चेदानी की तरफ जाता है और फिर ये बच्चेदानी में जाकर चिपकता है, मतलब कि इम्प्लांट होता है। ठीक है, और इम्प्लांट जब होता है तो फिर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे HCG बोलते हैं। ठीक है, बीटा HCG। और जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो टेस्ट कार्ड में जो हार्मोन डिटेक्ट होता है ना, उसे बीटा HCG हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, अब जो अंडा रिलीज हुआ था और फर्टिलाइज हुआ था, फर्टिलाइज होने के बाद जब ये यूट्रस में इम्प्लांट होगा ना, तो इस पूरे प्रोसेस को होने में कम से कम 7 से 12 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर मैं आपको कहूँ तो किसी फीमेल को अगर 14th डे पर ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब कि अंडा अगर उसका रिलीज हो रहा है, तो कम से कम अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप 24वें दिन 25वें दिन के अराउंड करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी
अगर आपको कंसीव हुई है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो यूरिन टेस्ट कार्ड में डिटेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हुई है और अगर आप श्योर हो कि आप कंसीव कर चुके हो, तो आपको दोबारा से ये टेस्ट रिपीट करना है 5 से 7 दिन के बाद में। तो ये जो 5 से 7 दिन का टाइम है ना, इसमें आपको 100% श्योर हो ही जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कट ये आंसर है कि अगर आपने रिलेशन ओवुलेशन टाइम के अराउंड बनाया है तो आपको कंसीव हो सकता है। और आपने टेस्ट कब करना है, 24वें दिन से 25वें दिन, 26वें दिन के बाद, कम से कम आपने 24वें दिन का वेट करना है, ठीक है। फिर आप उसके बाद टेस्ट कीजिए, अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर आपने 1 हफ्ते बाद दोबारा से टेस्ट करना है। अगर आपने कंसीव किया होगा तो आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो गाइज़, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।